बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस सिंपल फेस वॉश के बारे में। तो जब मैंने रानी आपा का फेस वॉश यूज़ करना शुरू किया तो मुझे सूट नहीं किया, तो मैंने डॉक्टर बिल्कीज़ का विटामिन सी सोप ऑर्डर किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोबारा मैं उनकी इसलिए प्रोडक्ट वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाई क्योंकि उनके डिलीवरी चार्जेस होते हैं 250 रुपीज़। तो इकट्ठी में चीज़ें ऑर्डर करना चाहती हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद थी जैसे सी बकथॉर्न ऑयल, एलोवेरा जेल वगैरह। तो जब वो ख़त्म होंगी तो फिर मैंने सोचा कि उनकी सोप या फेस वॉश जो है वो तब ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। और ये जो इस तरह के सिंपल का फेस वॉश हो गया, इस तरह के फेस वॉश हमें जो है आम जो स्टोर्स होते हैं जैसे सेब मार्ट हो गया या फिर पंजाब कैश एंड कैरी हो गया, अलफतेह हो गया, इधर से मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको परचेज़ करना थोड़ा इजी हो जाता है। या फिर जो भी मेडिकेटेड फेस वॉश होते हैं उनको भी परचेज़ करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन हर मेडिकेटेड फेस वॉश सूट करे ऐसा होता नहीं है। मेडिकेटेड में से चंद एक मुझे सूट करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एक्नीज जो ब्रांड है, एक्नीज उसके ऊपर लिखा होता है, और वो योगर्ट वाला मैंने यूज़ किया हुआ है उनका विटामिंस वाला, वो बहुत अच्छा है। वो एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंड रियली इट वर्क्स वेरी वेल। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 साल वही यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने कोई यूज़ नहीं किया। तो सिंपल का फेस वॉश मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर किया था तब जब मैंने फिज़ा अली को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हुए सुना था गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और इसके अलावा काफ़ी और चैनल्स पर। मुझे ये वाला वहाँ पर मिला नहीं, जब मैं पंजाब कैश एंड कैरी गई तो ये वाला पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो मैंने यही वाला ख़रीद लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, प्राइस दोनों की तकरीबन सेम ही है और दोनों ही 600 की रेंज में आ जाते हैं। ये है जी सिंपल का फेस वॉश, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें अल्कोहल नहीं है और परफ्यूम नहीं है, ठीक है, और एंटी बैक्टीरियल है। इसमें है जी विटामिन B3 and B5, सूटेबल फॉर फेस एंड हैंड्स। इसमें एंटी बैक्टीरियल है ये, तो ये बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। हम बार बार जो अपने हाथ को फेस पर लगाते हैं तो जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी देर तक हम 99% जो बैक्टीरिया हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो फेस पर एक्टिव खैरा नहीं होती। तो जिनकी एक्नी होती है या जिनकी ड्राई स्किन है या जैसी भी स्किन है, ये हर तरह की स्किन को सूट कर जाता है, तो ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सूटेबल है। तो बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं हम बच्चों को कौन सा फेस वॉश यूज़ कराएं, स्कूल से आते हैं बिल्कुल भी फेस वॉश जो है वो यूज़ नहीं करते, तो वो ये सिंपल फेस वॉश जो है वो अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो बच्चों की स्किन को ख़राब करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगेगा। और अगर आपने मेरी वीडियो देखने के बाद ये परचेज़ किया है और आपको भी इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।